नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीवन भारत। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड में आदिवासियों के धार्मिक स्थल सीरा सीता में कार्यक्रम का आयोजित कर प्रार्थना सभा को लेकर सिलीगुड़ी जाने के क्रम में धर्मगुरु बंधन तिगा की तबीयत खराब हो गई थी, जिन्हें आनंद लोक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चार दिन के बाद उन्हें वेलोर में भर्ती कराने के बाद वहाँ के चिकित्सकों ने बताया कि उन्हें कैंसर है और कैंसर के सफल इलाज के बाद चिकित्सकों की सलाह पर अभी वे आराम कर रहे हैं। धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया कि 23 तारीख को चिकित्सकों ने उन्हें फिर जांच के लिए बुलाया है और संभावना है कि 24 मार्च को उन्हें कैमोथेरेपी का डोज लगेगा और वह इस डोज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कैमोथेरेपी डोज मिलने से पूर्व और कैंसर के सफल इलाज के बाद पहली बार धर्मगुरु अपने चाहने वालों के लिए आभार संदेश साझा किया। तो आइए जानते हैं कि धर्मगुरु बंधन तिगा ने संदेश देते हुए अपने चाहने वालों से क्या कहा। जय धर्म जोहार। मैं अभी वेलोर हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। सभी लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना किया और जिसका नतीजा है कि 23 तारीख को मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सफल रहा और इसमें सभी लोगों ने शरणास्थल में जाके, चाहे जिन जिन जगहों पर हमारे लिए जन जन लोगों ने प्रार्थना की और इसके चलते मेरा ऑपरेशन सफल हुआ और आज मैं यहाँ पर वेलोर में इलाज करा रहा हूँ और 24 मार्च को हमारा यो मैंने केमोथेरेपी जो बोलते हैं वो कराना है, जिसको लेके मैं वेट कर रहा हूँ। डॉक्टरों ने केमोथेरेपी के लिए 23 तारीख को बुलाया है और वहाँ मुझे केमोथेरेपी के लिए जो दवा दी जाएगी, जो जिस तरह से इलाज कराया जाता है वो कराया जाएगा, इसके लिए मैं पूरे तरह से तैयार हूँ। और आप सबों से मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। झारखंड सरकार के द्वारा भी मुझे मदद किया गया, इसके लिए मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उनके मंत्रिपरिषद और जितने भी विपक्ष के अन्य सभी लोगों ने मेरे लिए जो दुआएँ की, और आप सबों को दुआओं के बदौलत आज हमारा ऑपरेशन सफल हुआ और अब मैं केमोथेरेपी के लिए तैयार हूँ और जल्द ही मैं झारखंड वापस आकर पुनः सरना समाज और सभी लोगों के हित के लिए काम करने के लिए मैं जल्द झारखंड आऊँगा। और जिन लोगों ने आर्थिक मदद हमारे लिए किया, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारा झारखंड और हमारा भारत देश फले बढ़े और हम लोग एकताबद्ध तरीके से अपने धर्म, समाज, संस्कृति, अपने राज और राष्ट्र के लिए मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे। सब हमको जय धर्मेश जोहार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।